नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है तब से यूपी का पूरा चेहरा ही बदल गया है। आलम यह है कि अपराधी अब थर थर कांपते हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर हो गए, अपराधी हो गए, अब वो थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई यूपी पुलिस से बचा लो, नहीं तो यूपी पुलिस उनका एनकाउंटर कर देगी। अब इन सबके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद यूपी में सभी लोग खुश हो गए हैं। वहीं अयोध्या में उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है कि राज्य सरकार अयोध्या को एक धार्मिक, वैदिक और सोलर सिटी के रूप में विकसित करेगी। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाली अयोध्या एक वैश्विक पर्यटन स्थल बनने के साथ एक समावेशी शहर के रूप में विकसित होगी। शनिवार को मुख्यमंत्री निवास में अयोध्या के लिए विजन डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन के दौरान यह निर्णय लिया गया। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में जल स्रोतों के संरक्षण, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पशु संरक्षण, आउट रिंग रोड का निर्माण, सोलर प्रोजेक्ट, पेड़ों को लगाना और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के प्रोजेक्ट पर प्राथमिकता से काम शुरू किया जाएगा। सनातन संस्कृति में आधारित ये शहर, प्राचीन सभ्यता, विरासत और परंपरा पर आधारित ये शहर आधुनिक समावेशी सुविधाओं के साथ सामंजस्य में विकसित होगा। मतलब साफ है कि अयोध्या पूरी तरीके से बदलने वाला है। वहीं सीएम योगी ने शहर में यूटिलिटी पासेस बनाने का भी आदेश दिया है ताकि बार बार अंडरग्राउंड केबल और पाइपलाइन के लिए सड़कों को ना खोदना पड़े। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि शहर में हेरिटेज लाइटिंग की जाएगी। साथ ही पंचकोसी, 14 कोसी और 4 कोसी परिक्रमा मार्ग का विकास उनके धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। पर्यटन विभाग को ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों की पहचान करने और उनका विकास करने भी आदेशित किया जा चुका है। आपको बता दें, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह घोषणा की है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए पत्थरों को जोड़ने का कार्य इसी साल दिसंबर से शुरू हो जाएगा। हाल ही में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मंदिर की 50 फुट गहरी और 400 फुट लंबी और 300 फुट चौड़ी नींव को भराई का काम चल रहा है, जो कि इस साल अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसमें मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को आपस में जोड़ने का काम शामिल है। आपको बता दें, वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कहा कि दिसंबर में मंदिर के आधार का निर्माण काम शुरू हो जाएगा। अब आपके क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।